18वीं लोकसभा चुनाव के लिए कुछ निर्दलीय उम्मीदवार तैयारी में जुटे हैं। वो मैदान में आने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर रहे। इनमें से कुछ गर्व से खुद की सबसे बड़ी हार का दावा कर रहे हैं, कुछ वोट मांगने की बहुत कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहीं कुछ अपनी पारिवारिक विरासत को बनाए रखने के लिए चुनाव मैदान में हैं। तमिलनाडु के सेलम जिले के पद्मराजन गर्व से खुद को चुनावी राजा कहते हैं। वो अब तक 238 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन एक बार भी जीते नहीं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 239वीं बार चुनाव मैदान में होंगे। टायर की दुकान चलाने वाले पद्मराजन का नाम सबसे असफल चुनाव उम्मीदवार के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। தர்மபுரி பாராளுமன்றத்திற்கு 239வது வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். நான் முதன் முதலாக 1988லிருந்து இந்த சாதனையை செய்து வருகிறேன். இதுவரை நான் வாஜ்பாய், நரசிம்மராவ், ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, ஏ கே ஆண்டனி, வயலாரவி, எடியூரப்பா, பங்காரப்பா, எஸ் எம் கிருஷ்ணா, விஜயமலையா, சதானந்த கவுடா, அன்புமணி ராமதாஸ் இவங்களெல்லாம் எதிர்த்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தேன். உலக கின்னஸ் புக்கில் இடம்பெறுவதற்காக இந்த முயற்சியில் நான் ஈடுபட்டுள்ளேன். இந்தோர் கே பரமானந்த் தோலானி அப்னா 9வா லோக்சபா சுனாவ் லட்னே கோ தயார் ஹே. दरअसल वो चुनाव लड़कर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 1998 में निधन से पहले 3 दशकों तक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। मुझे मालूम है कि इंदौर की जनता जो है बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन इंदौर की जनता भी भटकी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में उलझी हुई है, और जिस दिन इनका मोह भंग होगा पार्टियों से, उस दिन मेरे अलावा उनका कोई विकल्प नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता जो है बहुत समझदार है, मेरे को जरूर जिताएगी और मैं जीतूंगा जरूर। ग्वालियर में चाय बेचने वाले आनंद खुशवाह अब तक 27 चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो ग्वालियर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 28वीं बार चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आनंद अपने क्षेत्र में साइकिल से चुनाव प्रचार करने के लिए फेमस है। आखिर क्या कारण है, आप इतना चुनाव लड़ते हैं, हर बार चुनाव लड़ते हैं, क्या कारण है? चुनाव तो एक बात फंस गई हमारे समाज के प्रति, और एक समाज सेवा का भी है, और एक हमारे पीएम मोदी साहब भी है जो भी चाय वाले थे कभी, वो ये प्रधानमंत्री बने, मेरा भी उजलू ने कहा बरवा नहीं चाहता हूँ, कोई बड़ा पद मिलता तो चुनाव जीत सकूँ, एक तमन्ना मेरी भी है। जबलपुर के राकेश सोनकर खुद को 2.5 अक्षर कहते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्यार के सिंबल के तौर पर किया जाता है, खासकर कविताओं में। वो अपना 13वां चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें लोकसभा के पिछले 6 चुनाव भी शामिल हैं। उनका मानना है कि चुनाव जीतने के लिए जनता के प्रति प्यार दिखाना ही काफी है और वोट मांगने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद देगी ना आपको, आपका आपका प्रेम जब उनको समझ में आ जाएगा तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद देगी। हमने उनको दिया, वो हमको देंगे, क्यों मांगे वोट? मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, बहुत पुराना हो गया 70 साल से, अब बंद होना चाहिए, वोट दो वोट दो। यह है प्रेम, सच्चा प्रेम, तो इसलिए 2.5 अक्षर का यही अर्थ है, यही तात्पर्य है, देना चाहिए को प्रेम। वहाँ भारतीय संस्कृति प्रेम का अर्थ है देना। इनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इससे उन्हें निश्चित तौर पर अटेंशन मिलेगी। कुछ निर्दलीय इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं ताकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बन सकें।